नमस्कार दोस्तों, युवाओं, देश की धड़कनों, अवसर बार बार आपका दरवाजा नहीं खटखटाता है। यदि आप अवसरों के लिए तैयार नहीं है तो वह आपकी प्रतीक्षा नहीं करता है। दोस्तों, मित्रों, देश की युवाओं एवं देश की धड़कनों, आपने सुना होगा वर्ष 2015 में चपरासी के लिए जब उत्तर प्रदेश में 368 पदों के लिए वैकेंसी आई थी तो देश के 23 लाख लोग आवेदन किए थे। छत्तीसगढ़ में 70 पदों के लिए 75,000 आवेदन आया होगा। आपने अक्सर देखा होगा इंजीनियरिंग करके लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, एक साधारण सी पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, पीएचडी करके चपरासी में नौकरी करना चाहते हैं, पीएचडी करके एक सफाई वाला का नौकरी करना चाहते हैं। दोस्तों, और तो और डॉक्टरी करके दूसरा व्यवसाय अपनाना चाहता है, एमबीए करके कॉल सेंटर में काम करना चाहता है। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? एक अच्छी सी डिग्री लेकर एक अच्छा सा अमाउंट खर्च करके फिर दोस्तों एक छोटी सी अमाउंट वाली नौकरी लोग क्यों करना चाह रहे हैं? दोस्तों, अभी हाल में जमशेदपुर का एक लड़का आईआईटी से एमटेक करके रेलवे में ग्रुप डी का नौकरी करने रेलवे में ग्रुप डी का नौकरी कर रहा है। दोस्तों, एमटेक करके लोग प्राइमरी टीचर की नौकरी के लिए प्रयासरत। दोस्तों, भारत की 80% छात्र छात्राएं 80% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अपने 40 वर्ष का एज पढ़ाई करने में ही गुजार लेते हैं, पढ़ाई करने में ही समाप्त कर लेते हैं, जबकि दूसरे देशों में डेवलप्ड कंट्री में 40 वर्ष के बाद लोग रिटायर्ड होने की, लोग अवकाश प्राप्त करने की बात सोचते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या है जो हम इतने तंगी भरी जिंदगी? दोस्तों, यदि आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस तरह की समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो जरूर हमारे सेमिनार लाइफ चेंजिंग मेगा सेमिनार सफलता की पाठशाला, जिसका आयोजन 29 मार्च 2020 समस्तीपुर बिहार में हो रहा है, आप अपना सीट सुरक्षित करें और इन समस्याओं का निदान हमसे प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।